विधानसभा से। यूपी विधानसभा 18 फरवरी से शुरू हो रही है। कोरोना संकट के बीच ये विधानसभा सत्र हो रहा है, साथ ही 19 फरवरी को बजट जहां पेश किया जाएगा, तो वहीं आपको बताएं कि विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने विधान परिषद नेता दीपक सिंह से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। कांग्रेस की तैयारी किस तरह से है और कांग्रेस किस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, हमसे बातचीत करने के लिए नेता विधान परिषद दीपक सिंह जी हैं। सर, देखा जाए तो इन दिनों लगातार काफी सारे राजनीतिक हलचल है, हालांकि आज प्रियंका गांधी जी भी रामपुर आई हुई है और किसान बिल को भी लेकर के लगातार हंगामा चल रहा है। इस बीच में कांग्रेस की किस तरह की तैयारियां हैं? हालांकि इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मैंने देखा कि प्रियंका जी कई सारे कार्यक्रमों में भाग भी ले रही हैं, क्या है पूरा इस समय पूरी रणनीति? कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से अपने संगठन को मजबूत किया है। न्याय पंचायत तक कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का गठन कर चुकी है। ग्राम सभा अध्यक्षों की हम ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात थी प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से, नेताओं से लगातार संवाद कर रही हैं, संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दे उठा रही है, आज भी और तब जब उत्तर प्रदेश के सारे विपक्षी दलों के दफ्तरों में ताले बंद थे, मुंह में ताले लगे थे, सारे नेता जो अपने आप को उत्तर प्रदेश में विरोधी दल कहते हैं घरों से निकल नहीं रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही है, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का लोगों में भरोसा बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी जो 2022 की मुख्य तैयारी में जाएगी, इस बात को लेकर जाएगी, आंकड़े के साथ जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही, कोई शिक्षण संस्थान, कोई उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए हैं, कोई अस्पताल स्थापित नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश बेहाल है। उत्तर प्रदेश को फिर से बहाल करने के लिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज, रोजगार का राज स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाकर काम करेगी। विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होने वाली है, उसकी भी तारीख आ गई है, हालांकि इस बार बजट सत्र आने वाला है। कैसे रहेगी इस बार सदन में, क्या कार्यशैली रहेगी, किन किन मुद्दों को लेकर के आप सदन में सरकार को घेरेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अभी तक जो अपना बजट पेश किया है वो बजट कागजी था, उसके सारे दावे झूठे थे, धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तो उत्तर प्रदेश उम्मीद करता है, कांग्रेस भी चाहेगी कि सरकार कम से कम अपने अंतिम बजट में कम से कम प्रदेश का हित कर दे, उत्तर प्रदेश को धरातल पर कुछ दिखाई पड़े। पेपरलेस की बात सुन रहे हैं जिसकी कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, चूंकि ये ऐसी योजना है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तब विरोध करती थी जब राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति की बात ही करते थे। लेकिन प्रदेश ये भी उम्मीद करेगा कि बजट पेपरलेस हो, हमेशा की तरह वर्थलेस नहीं हो। पिछले बजट की बात की जाए तो अभी तक उसका 60% भी खर्च नहीं हो पाया है, हालांकि वित्त मंत्री का कहना है कि पैसे जो है वो सेंशन किए गए हैं। कोरोना काल की वजह से जो बजट खर्च होने की गति थी वो धीमी थी, लेकिन कोरोना काल तो बड़े ही मतलब 2 माह के लिए था, तो क्या ये 60% तक पहुंचना सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि कोरोना काल था, सिर्फ यही कारण काफी है? हमेशा जो असफल लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, बहाने करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के कई सारे विभागों का बजट खत्म नहीं हो सका। इसके पहले भी जो बजट सरकार ने पेश की थी उसमें दिखाया था कई विभाग अपने पैसे को खर्च नहीं कर पाए थे, अगर खर्च भी किए थे तो उसका अधिकांश मद विज्ञापन, प्रचार प्रसार, होर्डिंग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे चमकाने में खर्च हुए थे, जिसका उत्तर प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं था। तो मुझे लगता है कोविड बहाना है, इनको अपनी असफलता को छुपाना, इसलिए कोविड का नाम लेकर बचने का काम करते हैं और उम्मीद ये करेंगे कि प्रदेश ये चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी अवसर है उत्तर प्रदेश के लिए, भाषणों के अलावा, इवेंट के अलावा कुछ करके दिखा दें, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कुछ पाप कम हो जाए। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो बिल्कुल, विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस ने अपनी रणनीति पूरी बना ली है इस सत्र में किस तरह से सरकार को घेरेगी। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़।